लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी अब धीमी पड़ती जा रही है। आखिरी चरण की वोटिंग चंद दिन बाद और फिर होगा नतीजों का इंतजार जो 4 जून को आएंगे, और नतीजे जारी होने तक जो चीज सबसे सुरक्षित रहती है वो है ईवीएम, यानी वोटिंग मशीन जिसमें आपका वोट कैद होता है। अब तक 6 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीट पर वोट डाले गए थे, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीट पर वोटिंग हुई, तीसरे चरण में 7 मई को 93 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए, फिर 13 मई को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ, वहीं पांचवें चरण में 20 मई को 49 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए और छठे चरण में 25 मई को 58 लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। अब 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से लेकर 4 जून तक ईवीएम को कैसे और कहां रखा जाता है, ईवीएम की सुरक्षा कौन करता है, ईवीएम तक कौन कौन पहुंच सकता है, ऐसे ही कुछ सवाल आपके जहन में उठते होंगे, तो एक एक कर हर सवाल का जवाब जान लीजिए। वोटिंग के बाद कहां रखी जाती है ईवीएम? वोटिंग के बाद ईवीएम को प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स के सामने सील किया जाता है। सील पर पोलिंग एजेंट अपने साइन करते हैं, फिर सभी ईवीएम और रिजर्व ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा कराया जाता है। स्ट्रांग रूम में सभी इस्तेमाल की गई ईवीएम और रिजर्व ईवीएम एक साथ जमा की जाती है। इसके बाद स्ट्रांग रूम को बाहर से सील कर दिया जाता है। सील पर प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी अपनी सील लगाते हैं। एक बार ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच गए तो ईवीएम तक काउंटिंग डे से पहले कोई नहीं पहुंच सकता। नतीजे वाले दिन ही स्ट्रांग रूम से ईवीएम बाहर निकलती है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में भी 7 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब इसकी काउंटिंग के इंतजार है जो 4 जून को होने हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ईवीएम को कितना सेफली रखा जाता है, कितना हिफाजत से रखा जाता है। मैं दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में हूँ, यहाँ पर अटल आदर्श बेंगली स्कूल है। यहाँ पर सामने देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर वेलकम्स पोलिंग पर्सनल इन ट्रेनिंग, मतलब अभी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है कि कैसे काउंटिंग हो गई, कैसे वोटों की गिनती होगी। हम आपको दिखा रहे हैं अब सुरक्षा व्यवस्था, सामने देखिए पुलिसकर्मी गेट पर खड़े हैं, गेट के अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात है। कई लेवल पे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनी होती है, क्योंकि अंदर दाखिल होने के बाद भी जहाँ पर स्ट्रांग रूम बना है वहाँ पर कोई भी एंटर नहीं हो सकता है। कैसे होती है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा? स्ट्रांग रूम वो कमरा होता है जहाँ ईवीएम मशीनों को रखा जाता है। एक जिले में एक ही स्ट्रांग रूम होता है। स्ट्रांग रूम के अंदर रोशनी की पूरी व्यवस्था होती है। स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, जिनके जरिए पूरी निगरानी की जाती है। कौन करता है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा? लेकिन सिर्फ सीसीटीवी के भरोसे ही ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा किसी वीआईपी की सुरक्षा से भी सख्त होती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में यूपी पुलिस और केरल के किसी शहर में केरल पुलिस। स्ट्रांग रूम में कितने लेयर की सिक्योरिटी? ऐसा नहीं है कि राज्य पुलिस के अधिकारियों के पास ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यदि ऐसा होता तो गड़बड़ी की आशंका भी ज्यादा रहती, क्योंकि राज्य पुलिस सरकार के अधीन होती है। इसलिए स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी 3 लेयर की होती है। सबसे बाहरी लेयर में ही राज्य पुलिस मौजूद रहती है। राज्य पुलिस की सुरक्षा के अंदर अर्ध सैनिक बलों की सिक्योरिटी होती है। ये सैनिक हथियार बंद होते हैं। दूसरी लेयर भी स्ट्रांग रूम के बाहर ही सिक्योरिटी देखती है, लेकिन स्ट्रांग रूम के अंदर भी एक सिक्योरिटी लेयर होती है और इसकी जिम्मेदारी भी अर्ध सैनिक बलों के पास ही होती है। हम लखनऊ के
रमा भाई स्थल पर मौजूद है जहां पर ये पूरी 4 जून को मतगणना होगी, और ये लखनऊ के लिए अगर बात करें तो लखनऊ और उसके अलावा जो मोहलालगंज है, दोनों संसदीय क्षेत्र के लिए जो वोटिंग हुई है उसके लिए मतगणना होगी, इसको लेकर सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 4 जून को जब मतगणना शुरू होगी और स्ट्रांग रूम में जो 5265 ईवीएम है वो उसको लेकर पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच इनको रखा गया है, और आपको बता दें कि संगीनों के साय में ये जो सभी ईवीएम है वो सुरक्षित रखे गए हैं और डबल लॉक स्ट्रांग रूम इनको सुरक्षित रखा गया है। क्या स्ट्रांग रूम तक कोई नहीं पहुंच सकता? ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग रूम तक कोई नहीं पहुंच सकता। स्ट्रांग रूम में चुनाव आयोग के अधिकारियों को जाने की परमिशन होती है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी स्ट्रांग रूम में जाकर सुरक्षा और बाकी चीजों को परखते हैं, लेकिन स्ट्रांग रूम में एंट्री से पहले अधिकारियों को रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, अपना आई कार्ड सुरक्षा बलों को दिखाना होता है, रजिस्टर में स्ट्रांग रूम में जाने और बाहर आने का समय खुद अपने हाथ से लिखना होता है, और रजिस्टर में साइन करना भी जरूरी होता है। एक बार स्ट्रांग रूम सील हो जाए तो अंदर कोई नहीं जा सकता, अधिकारी भी बाहर से ही जायजा ले सकते हैं। यदि काउंटिंग डे से पहले स्ट्रांग रूम किसी कारणवश खोलना भी पड़े तो ये प्रत्याशियों या फिर उनके प्रतिनिधियों के सामने ही होता है। स्ट्रांग रूम ऐसी जगह को बनाया जाता है जहां आंधी तूफान का भी असर ना हो। आमतौर पर स्ट्रांग रूम बनाने के लिए ऊंची जगह का चुनाव किया जाता है ताकि जल भराव होने पर भी ईवीएम खराब ना हो। ईवीएम को नमी और गर्मी से बचाने की भी पूरे बंदोबस्त होते हैं। हर ईवीएम को एक खास तरह के ब्रीफकेस में बंद किया जाता है जिसमें ये नमी और गर्मी से बची रहती है। ईवीएम में डेटा क्या पूरी तरह सुरक्षित होता है? हर ईवीएम में डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। डेटा को ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित रखा जाता है। ईवीएम को अमूमन 15 साल बाद सर्विस से हटा दिया जाता है, लेकिन ईवीएम के डेटा को आजीवन सुरक्षित रखा जा सकता है। वीवीपैट मशीनों का क्या होता है? ईवीएम के साथ ही वीवीपैट मशीनें भी पूरी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में भेजी जाती है। हर वीवीपैट मशीन का एक सीरियल नंबर होता है जिसे पता लगता है कि वीवीपैट किसी ईवीएम से जुड़ी है। वीवीपैट की पर्चियों को भी एक बॉक्स में सील बंद करके सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। काउंटिंग हॉल तक कैसे पहुंचती है ईवीएम? ये जरूरी नहीं कि काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम बिल्कुल आसपास हो, इनमें कुछ दूरी भी हो सकती है। यदि स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल करीब हैं, तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा बनाया जाता है। इस घेरे को अर्धसैनिक बल और पुलिस की मदद से तैयार किया जाता है, और पूरी सिक्योरिटी के साथ ईवीएम काउंटिंग हॉल तक पहुंचाई जाती है। यदि काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम की दूरी ज्यादा है तो बैरिकेटिंग करनी होती है। बैरिकेटिंग की सिक्योरिटी में भी सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, और पूरी सिक्योरिटी के साथ ईवीएम मतगणना केंद्र तक पहुंचाई जाती है। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी में सुरक्षा बलों के अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी तैनात रह सकते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस के सुरक्षा घेरे के बाहर ही तैनात होने की परमिशन होती है। हालांकि प्रत्याशी तैनात न भी रहें तभी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती। क्या काउंटिंग हॉल में गड़बड़ी संभव है? काउंटिंग हॉल में भी ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। काउंटिंग हॉल में चारों तरफ सीसीटीवी लगे होते हैं, इसलिए गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।